एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है एप्पल जैम। सो एप्पल जैम बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो एप्पल है, ये थोड़े पके हुए होने चाहिए, और जितना एप्पल है उतनी ही शुगर चीनी भी होनी चाहिए। तो आधा किलो एप्पल है और आधा किलो ही चीनी है और एक नींबू है। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको एप्पल जैम बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम एप्पल को छील के अच्छे से छोटा छोटा काट लेते हैं। एप्पल को काट लिया है, उसको एक पैन में डाल दिया है, उसमें एक ग्लास पानी डाल के और मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, और इसको एकदम लो फ्लेम पे हम पकने देंगे करीबन 10 से 15 मिनट तक। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हम तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा गलने लग गया है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसे फिर से हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। सो देखिए दोस्तों, टोटल 15 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो उसमें हमने चीनी डाल दी है, अब हम इसको पका लेते हैं। और अभी भी जो इसका जो टेम्प जो गैस है वो एकदम स्लो पे ही है, तो हमें इसे स्लो पे ही पकाना है, नहीं तो जो जैम है वो जल जाएगा। इसको ऐसे ही चला चला के हम हर दो मिनट में चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। दो मिनट हो गए हैं और जो चीनी है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, और देखिए कितना ज़्यादा ये लिक्विडी हो गया है, इसमें कितना पानी आ गया है। तो अब हम अपनी जो गैस है उसको स्लो से मीडियम पे कर देते हैं, एकदम तेज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस मीडियम पे रखेंगे और इसको हम पका लेते हैं। और अब इसमें हम लेमन जूस भी डाल देते हैं, एक लेमन जूस है ये। लेमन जूस हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है, तो चीनी क्रिस्टलाइज ना हो, वो वाइट वाइट सा ना बन जाए इसमें, तो वो अजीब सी लगेगी, इसलिए हम लेमन जूस डाल रहे हैं। और इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जैम है। मार्केट में जो हम जैम देते हैं उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से एक महीना चल जाएगा, एक महीने भी नहीं चलेगा क्योंकि एक महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बच्चों को ये इतना पसंद आता है। तो चलिए अब हम लेमन को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे ही पका लेते हैं 2 मिनट और। तो देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो बन गया है, और ये जैम का जो शेप है वो लेने ही वाले हैं। अब इसमें हम, क्योंकि ये एप्पल जैम है, तो इसमें हम रेड फूड कलर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये बिल्कुल जो किसान जैम होता है मार्केट जैसा, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे ही पका रहे हैं, और थोड़ी देर और पका लेते हैं। देखिए जो जैम है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पर अभी ये नहीं बना है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि जब ये बन जाएगा हमें कैसे पता लगेगा। तो मैंने एक कटोरे में लिया है पानी, और इस पर हम थोड़ा सा जैम डालेंगे। देखिए ये भी एकदम अलग हो जा रहा है, इसका मतलब है ये नहीं बना है। जब हम इसे डालेंगे और ये एक ही जगह पे रहेगा, इसका मतलब है ये बन गया है। तो अभी हम इसे फिर से पकने देते हैं 2 मिनट तक। ये हमें 2 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसे फिर से एक बार पानी में डाल के देख लेते हैं कि ये बन गया है या नहीं। तो देखिए ये अभी भी नहीं बना है, तो इसे थोड़ा और पकाना होगा। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, जैम इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कितना थिक है ये, और ये देखिए एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब है हमारा जैम एकदम रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, और फिर इसको एक एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जार में रख देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये एकदम बिल्कुल किसान जैम जैसा बन जाएगा। तो चलिए हम इसे ठंडा होने देते हैं।
ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है और कितना टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल ये रियल जैम जैसा ही है जैसे हम मार्केट से लाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा एप्पल जैम, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।